Welcome students, this is Manpreet Singh in front of you and welcome to you all in my YouTube channel Perfection Classes for English and welcome to you all again. And in my channel you have read, you have watched my videos. The chapter is model and today we will discuss about use of must. And in must we need to know about first step. Our first step is must is used for compulsion, compulsion and duty. देखो must का use किया जाता है compulsion को explain करने के लिए, duty को. देखो must का एक basic सा use मैं आपको बता दूँ. must का use उस condition में किया जाता है जिसको हम कभी भी deny नहीं कर सकते. मतलब ये कि for example अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या करना है, helmet पहनना है. जब भी आप ड्राइव करो तो आपको हेलमेट पहना, इस कंडीशन में मस्ट का यूज़ करूँगा, शुड का नहीं. ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है. कंपल्शन के अंदर जब अपने बात करते हैं, कंपल्शन का मतलब होता है बाध्यता. बाध्यता मतलब किसी भी काम को करना जरूरी हो उस काम के लिए हम कंपल्शन वर्ड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू मस्ट डू इट टुडे. तुम्हें ये आज ही करना है, ये तुम पर क्या है, तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि तुम्हें आज ही करना है. अदरवाइज जो भी इसका फॉल्ट होगा, जो भी इसकी जो पनिशमेंट होगी वो तुम्हें ही मिलेगी. फिर बात करते हैं ड्यूटी की. अ सोल्जर मस्ट डाई फॉर हिज कंट्री. एक सैनिक की ड्यूटी क्या है कि वो क्या करता है, वो अपने देश के लिए मरता है. पहला एग्जांपल क्या लिखा, पहला एग्जांपल लिखा यू मस्ट डू इट टुडे, तुम्हें ये आज ही करना होगा. या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ड्यूटी के लिए बता रहा हूँ, अ सोल्जर मस्ट डाई, या मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री. देखो स्टेप वन के अंदर मैं आज यहाँ पर स्टेप वन स्टेप टू सब कुछ रेज करता हूँ, अपने डायरेक्ट इस मैटर को करते हैं. देखो उसके बाद जब हम बात करते हैं मस्ट का यूज़, कंपल्शन और ड्यूटी के बाद में हम बात करते हैं कंपल्शन के बाद, सॉरी मस्ट के लिए. तो मस्ट का यूज़ किया जाता है जब हम स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड को एक्सप्लेन करते हों या फिर फिक्स्ड डिटरमिनेशन को. देखो क्या स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड या मैं कह सकता हूँ फिक्स डिटरमिनेशन. अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड के अंदर हम ऐसी बात को एक्सप्लेन करते हैं जो श्योर, जैसे कि आई मस्ट हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, कि मेरा स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, मेरी जो प्रबल इच्छा है, मेरी जो प्रबल संभावना क्या है, मैं श्योर हूँ किस बारे में कि मैं जब भी ज़्यादा चल लेता हूँ तो मेरे को भूख लगती है. फिर बात करते हैं फिक्स डिटरमिनेशन की. देखो फिक्स डिटरमिनेशन के अंदर क्या होता है, हम उन एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जो हमने किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में करनी है. वी मस्ट गो टुडे. ठीक है, ध्यान रखना वन बाय वन, वन जो इसका पार्ट है मस्ट का, इन कंपल्शन के लिए, ड्यूटी के लिए, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड या फिक्स डिटरमिनेशन, ये कॉमन है. अगर मैं इन सब के लिए एक बात बोल दूँ कि कोई ऐसा काम जिसको हम मना नहीं कर सकते, वहाँ पर डेफिनेटली किसका यूज़ करना है, मस्ट का. ऐसा काम जिसको हम मना नहीं कर सकते, वहाँ पर हमने किसका यूज़ करना है, मस्ट का. इसके अलावा जब हम बात करते हैं मस्ट की, देखो इससे पहले हम लोगों ने शुड का यूज़ किया था. ठीक है, शुड के अंदर जो एक थिंग जो अलग थी वो देखो क्या थी, मैं आपको बताता हूँ. जहाँ पर श्योरिटी हो, जहाँ पर सर्टनिटी हो, वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर श्योरिटी नहीं होती ड्यूटीज़ के लिए, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं,
शुद्ध का। अब आगे देखो, अब देखो मस्ट और शुड के अंदर हमने क्या किया था, सॉरी शुड के अंदर क्या किया था, हमने इंस्ट्रक्शन ऑर्डर वाला एक पार्ट किया था, ठीक है, एक स्टेप किया था। और उस स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था फॉर्मल ऑर्डर फॉर्मल इनफॉर्म इंस्ट्रक्शंस के लिए किसका यूज़ किया जाता है, शुड का। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर किसके लिए किया जाता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिटर्न ऑर्डर, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। क्या है, रिटर्न ऑर्डर यानी डेफिनेटली तुमने ये करना है, या फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दो, स्टाफ मस्ट कम टू स्कूल बिफोर 7:30 AM। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर आ गया किसके लिए, स्टाफ के लिए, कि तुमने क्या करना है, तुम्हें 7:30 से पहले पहले स्कूल के अंदर प्रेजेंट होना है। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, कौन सा, रिटर्न में होना चाहिए। वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का। अगर फॉर्मल इन्विटेशन या फिर एक घोषणा ही कर दी जाए, वहाँ पर क्या होगा, शुड का यूज़। तो स्टूडेंट्स मस्ट को ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि जहाँ पर श्योरिटी है, जहाँ पर सर्टनिटी है, जहाँ पर फिक्स्ड है समथिंग, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ होगा। जहाँ पर डाउटफुल है, कंडीशन मस्ट वाली अप्लाई हो रही है, वहाँ पर हमेशा शुड का यूज़ करना है, इस बात को भूले नहीं। तो स्टूडेंट्स ये जो मॉडल था, इसके बाद हमारा जो एक मॉडल बच जाता है, मैं दोनों को एक साथ ही लिखूँगा यहाँ पर, वो है नीड और डेयर। देखो नीड और डेयर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ध्यान दें बोर्ड पे, तो नीड और डेयर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नीड का यूज़ एज अ वर्ब यहाँ किया जाता है और डेयर का यूज़ भी, पर जहाँ पर नीड का यूज़ होगा वहाँ पर हमेशा एक रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर एक नेसेसिटी होगी कि यहाँ पर हमने नीड का यूज़ करना है, ठीक है। पर जब बात करते हैं डेयर की, तो डेयर के अंदर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। तो डेयर के अंदर क्या होता है, डेयर के अंदर हमेशा करेज को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर वो अपने ये सेंटेंस बोलते हैं, तो इन दोनों के लिए देखो एग्जाम्पल क्या है। नीड के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई नीड अ ब्लैक हैट, मुझे काली टोपी की ज़रूरत है। और मैं अगर यहीं पर लिखता हूँ ही dares to go there, जहाँ पर necessity हो वहाँ पर need, जहाँ पर courage को explain किया जाता है वहाँ पर dare, ठीक है। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका subject, मैं इनके बारे में बता दूँ, अगर आपका subject क्या हो, singular हो, तो आपकी जो वर्ब यानी कि नीड या डेयर होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके साथ यूज होने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। बस इन दो बातों का आप ध्यान रखें, किन के लिए, नीड के लिए, डेयर के लिए, ठीक है। बाकी मैटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना मॉडल ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ग्रामेटिकल मैटर, एंड टुडे वी विल सॉरी टुडे आई नीड टू लीव फ्रॉम हेयर। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई ऑल वीडियोज, एंड don't forget to subscribe if you don't subscribe, and don't forget to press on the bell icon. Thank you students.